हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर निस। आज आप लोगों को एनल फीसर के बारे में बताएंगे। तो एनल फीसर का होम्योपैथिक में बहुत ही बेटर मेडिसिन है जो 100% तक ठीक ही कर देती है। और होम्योपैथी में एनल फीसर का मेडिसिन है, लेकिन वो कुछ प्रॉब्लम छोड़ती है। और अलग अलग तरीका है अलग अलग पैथियों में, उसको छोड़िए। लेकिन होम्योपैथी के बारे में मेनली हम बताने जा रहे हैं कि एनल फीसर का होम्योपैथी में बहुत ही बेटर मेडिसिन है और ये 100% प्रॉपर वे में ख़त्म कर देती है एनल फीसर को। तो एनल फीसर का मतलब हो गया, पहले आप जान जाइए, मल द्वार का फट जाना। और मल द्वार को फट जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा पेन, ब्लीडिंग होता है, मन भी ठीक नहीं रहता है, चेहरा कुछ खींचा खींचा सा रहेगा और डिस्टर्बेंस रहेगा। तो ये बहुत ही ख़राब बीमारी है। ये मेनली होता किस कारण से है? ये मेनली होता है कंस्टिपेशन के कारण से। अगर आप ड्राई फ्रूट, ऑयली फूड, नॉन वेजिटेरियन अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन होता है। और यही कॉन्स्टिपेशन अगर लॉन्ग टाइम सफ़र कर रहा है तो आपको एनल फीसर के रूप में ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो एनल फीसर मल द्वार का फट जाना, वो होता क्या है कि जब आप मल के लिए बैठते हैं और आपको बहुत तेज शक्ति लगाना पड़ता है, तो वहाँ भी कुछ इलास्टिक जैसा जो रहता है, वहाँ जो ताकत लगता है, और उसके बाद वो फट जाता है। फट जाने के बाद ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग होगा और बहुत ज़्यादा जलन होगा, पेन होगा। तो ये सब चीज़ है एनल फीसर का। तो एनल फीसर का होम्योपैथिक में बहुत ही बेटर मेडिसिन है। फर्स्ट मेडिसिन तो उसका है एसिड नाइट्रिक। एसिड नाइट्रिक एनल फीसर का बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। उसे आप 30 पावर में लें, सुबह, दोपहर, शाम 4-4 बूंद खाएं, बहुत ही बेटर काम करते हैं। दूसरी मेडिसिन है रेटाइना। जैसे ए मेडिसिन है मेरे पास रेटाइना, एसिड नाइट्रिक भी सारा मेडिसिन पीछे रखा हुआ है। रेटाइना अभी एक हम पेशेंट को दिए थे, इसलिए हम रेटाइना यहाँ पर रखा हुआ है। ये भी 30 पावर में लें और सुबह, दोपहर, शाम 4-4 बूंद खाएं। और इसके साथ ही मेडिसिन है पियोनिया क्यू, वो भी बहुत बेटर काम करती है एनल फीसर में। हेमामेलिस क्यू, ये भी बहुत ही बेटर काम करती है। अब जितने सारे मेडिसिन आप लोगों को हम बताते हैं और सब सिम्टम पर निर्भर करता है मेडिसिन, ये कैसा सिम्टम है कि काम करें, कैसा ये काम करेगा। लेकिन एनल फीसर में एसिड नाइट्रिक और रेटाइना बहुत ही बेटर मेडिसिन है और बहुत ही बेटर काम करती है। उसके साथ आप हेमामेलिस क्यू ले लें। अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है तो हेमामेलिस क्यू 10 बूंद सुबह, 10 बूंद शाम ले लें। और मल द्वार के पास बहुत ज़्यादा पेन और जलन है तो रेटाइना ले लें 30 पावर में, सुबह, दोपहर, शाम 4-4 बूंद लें। एनल फीसर जो ये बीमारी है 100% रिलीफ हो जाती है होम्योपैथिक मेडिसिन से। तो मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और आगे भी हम इस तरह का वीडियो में बस इजी वे में आप लोगों को बताते रहें। ऐसे तो अगर बात करें एनल फीसर के बारे में तो बहुत सारी बातें हो जाएंगी, लेकिन आप थोड़े से वे में जाने और बस माइंड में चीज़ जान जाए कि हो एनल फीसर होम्योपैथिक में ठीक होता है, और बस इस पर विश्वास करें। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन एनल फीसर को होम्योपैथिक मेडिसिन से बहुत ही बेटर ढंग से ट्रीट किया जाता है।